हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन इन साइंस। और हम लोग जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने देखा था कि सीड के थ्रू जो है किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन जो है वो बॉडी पार्ट्स के थ्रू होता है। यू नो लाइक देर आर मेनी प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम्स, लीव्स और रूट्स। ओके, कई प्लांट्स हैं जो कि अपने स्टेम्स, लीव्स या फिर रूट्स के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। हम लोग पहले शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। सी लाइक न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम बर्ड्स प्रेजेंट ऑन स्टेम्स। नए प्लांट्स जो हैं वो तना में जो मौजूद बड होता है, कली टाइप का होता है, उससे वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सो इन सम केसेस cuttings of stems are taken from parent plants that have buds on them. तो कुछ केसेज में जो है स्टेम को जो है काट लिया जाता है पेरेंट प्लांट से, ऐसे स्टेम को जो है पेरेंट प्लांट से काट लिया जाता है जिसपे कि बर्ड्स मौजूद हों। ठीक है, और फिर जो है इन बर्ड्स से जो है नया जो प्लांट है वो ग्रो करता है, वो जो है पैदा होता है। तो एग्जाम्पल्स है जैसे कि रोज, बोगनवेलिया, हिबिस्कस, सुगर केन, ये सब जो है इसी तरीके से जो है उगाए जाते हैं। अपने पेरेंट्स से आप बात कर सकते हैं कि गन्ने की खेती किस तरह से की जाती है, और उससे आप समझ जाइएगा कि किस तरह से जो है स्टेम से जो है रिप्रोडक्शन होता है। और कोई प्लांट आप सोच सकते हैं जो कि स्टेम से ग्रो करता है? वेल, पोटैटो, राइट? आलू बीज तो अंडरग्राउंड स्टेम ही है ना, याद होगा, आपको पढ़ा भी होगा आपने कहीं पर। आलू जो है पोटैटो, दैट इज ऑल्सो एन अंडरग्राउंड स्टेम। और इसमें जो है लोग कहते हैं ना, जब कभी पापा वगैरह से पूछना कि आलू की खेती करने के वक्त जब बीज तैयार किया जाता है तो उसमें ऐसे आलू लिए जाते हैं जिसके ऊपर ढेर सारा जो है आंख होता है। ठीक है, इस टाइप से। और फिर क्या करते हैं किसान कि नॉर्मली जो है इस स्टेम को काट देते हैं, टुकड़ा में बांट देते हैं। हर एक टुकड़े में कम से कम एक आई जो है वो होना चाहिए। ये बड मौजूद होना जो है वो स्टेम के साथ जरूरी है, क्योंकि नया प्लांट जो है वो उसी बड से निकलेगा। ठीक है, तो पोटैटो में क्या करते हैं कि आप बड्स लेते हैं, जैसे कि आईज कहते हैं, और यही इन्हीं बड से जो है नया प्लांट जो है वो निकलेगा। ऐसे ही अनियन और जिंजर जो है वो भी स्टेम से ही ग्रो करते हैं। फिर दूसरा तरीका है रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स, पत्तों से भी रिप्रोडक्शन होता है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपने पत्तों से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का जो पत्ता होता है ना, इसे पत्थरचूर भी कहते हैं अपने यहाँ। ब्रायोफाइलम जो है, इसकी पत्तियां जो होती है वो काफी मोटी और मांसल टाइप की होती है, और उसके किनारे पे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। देख रहे हो, बर्ड्स हैं ये मौजूद। तो फिर यही पत्ता जब जमीन के संपर्क में आ जाएगा तो ये सारे बर्ड्स जो है वो डिफरेंट नए नए जो है सेपरेट प्लांट्स के तौर पर जो है ग्रो कर जाएंगे, और इस तरीके से जो है लीव्स के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन होता है। फिर तीसरा एरिया है रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। इसके एग्जांपल में जो है आपका स्वीट पोटैटो, कैरेट, ये सब आते हैं। स्वीट पोटैटो और कैरेट जो है वो रूट्स हैं जिनमें कि फूड जो है वो स्टोर होता है। अब जब इनको दोबारा बोया जाता है या रोपा जाता है तो फिर ये रूट जो होते हैं वो नए प्लांट में ग्रो करते हैं। अब यहाँ पर जो हम एक एक्टिविटी के थ्रू जो है देखेंगे कि कैसे कैरेट जो है वो रूट से जो है रिप्रोड्यूस करता है। अब क्या करिए, आपकी कैरेट का जो टॉप वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, उसको जो है आप काट लीजिए, जिसमें कि पत्ता टाइप का लगा रहता है, और इसे जो है एक शैलो डिश में, गहरे डिश में नहीं, शैलो डिश में जो है इसे आप रख दीजिए। बॉटम पार्ट जिधर से काटे हैं वो कटा हुआ पार्ट जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। अब जो है डिश में आप पानी थोड़ा सा डालिए इस तरीके से कि आधा कैरेट जो है वो पानी में डूबा रहे, और इस डिश को जो है ऐसी जगह पर रखिए, आप इस बर्तन को ऐसी जगह पर रखिए जहां पर कि पर्याप्त जो है सूरज की रोशनी आती हो। कुछ दिनों तक आप उसको देखते रहिए, और आप देखिएगा क्या कि वो जो हल्का हल्का सा पत्ता टाइप का था, ग्रीन वाला पार्ट जो था, वो जो है धीरे धीरे बड़ा होकर जो है कैरेट के ऊपर जो है प्लांट टाइप का जो है वो बन गया है। और इससे क्या साबित होता है कि कैरेट वगैरह में जो है रूट से जो है रिप्रोडक्शन होता है। नहीं, आपका भी फायदा हुआ ना, नीचे वाला कैरेट आप खा भी गए, ऊपर वाले से आपने नया कैरेट भी पैदा कर लिया। ए, बहुत होशियारी वाली बात है ये। तो इसके अलावा जो है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स भी एक मेथड है। अब ये रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स क्या होता है,
अब देखिए आपको पता होगा कि सर्टेन प्लांट्स जो है डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड सीड्स, उनमें जो है फ्लावर्स और सीड्स नहीं मौजूद होता है, तो हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? वेल सम ऑफ देम हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। कुछ जो ऐसे प्लांट्स होते हैं उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें कि स्पोर्स कहते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अगर आप फर्न के पत्ते का अंडर वाला साइड देखें, अंडर साइड, यू विल सी मेनी डार्क कलर डॉट्स। आप जो है ऐसा ऐसा जो है बहुत सारा डार्क कलर का डॉट देखिएगा। तो ये जो डॉट्स हैं, दीज आर कॉल्ड सोराई, ओके? और इसी सोराई में जो है स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से फंजाई जो है, जैसे कि ब्रेड मोल्ड वगैरह या मशरूम, ये भी जो है स्पोर्ट्स के थ्रू ही जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? स्पोर्ट्स जो है वो कह सकते हो कि बहुत छोटा छोटा जो है बीज ही हो गया एक तरीके का। अब यहां पर जो है एक और चीज डाल लीजिए कि फर्न जो है वो भी स्पोर्ट प्रोड्यूस कर, स्पोर्ट प्रोडक्शन के थ्रू जो रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन स्पोर्ट्स जो है वो सीड की तरह ही है, लेकिन ये सीड नहीं है, ठीक है? ये जो इसे जो है फर्न का सीड नहीं कह सकते हैं। स्पोर्ट जो है वो काफी सिंपल स्ट्रक्चर है सीड के कंपैरिजन में। ये जो है बस एक सेल से बना होता है, जबकि सीड में बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। स्पोर्ट जो है वो बस एक सेल से बना होता है, और जहां कहीं भी वो गिरेगा वहां पर फिर से जो है वो सेल डिवीजन के थ्रू जो है ग्रो करना शुरू कर देता है। अब यहां पर जो है हम लोग जो है कह सकते हो कि प्लांट्स के ओवरऑल जो है टाइमलाइन की बात करते हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे क्या आया। तो देखो 440 मिलियन ईयर्स अगो जो है मॉसेस वगैरह जो थे वो अर्थ पर आए थे। उसके बाद जो है लाइकोफाइट्स जो होते हैं, जैसे क्लब मॉसेस, स्पाइक मॉसेस, ये सब जो है आए थे। फिर जो है 390 में टेरोफाइट्स, जैसे कि फर्न, विस्क फर्न, ये सब आए थे। फिर जो है 360 मिलियन ईयर्स अगो जो है जिम्नोस्पर्म्स, जो सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं, वो आए थे। तो मतलब सीड बेयरिंग प्लांट्स जो है वो बहुत ही बाद में आए हैं, राइट? और फाइनली जो है 360 मिलियन ईयर्स अगो ही जो है एंजियोस्पर्म्स आए थे, यानी कि फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स आए थे। सो वेल दैट इज द यू नो लाइक टाइमलाइन ऑफ दिस प्लांट्स। नाउ लेट अस यू नो लाइक क्विकली रन थ्रू दिस होल सेक्शन। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग तरीकों से होता है। इट कैन हैपन थ्रू सीड्स, स्टेम, लीव्स, रूट्स एंड फ्रॉम स्पोर्स। सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन के एग्जांपल में जैसे कि मटर हो गया, कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब हो गया। स्टेम से रिप्रोडक्शन के केस में जैसे कि रोज, हिबिस्कस, सुगर केन, पोटैटो, राइट, ये सब हो गया। लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन में जो है बायोफाइलम, बेगोनिया, ये सब आते हैं। रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन में जो है स्वीट पोटैटो, जिसको हमारे यहाँ अलुआ भी कहते हैं, और कैरेट, ये आ जाते हैं। और स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन में जो है मशरूम, फंजाई वगैरह, ये आते हैं। सो वेल दैट वाज अबाउट यू नो लाइक रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। आप जो है ये ट्रू एंड फॉल्स एक्टिविटी करके जो है थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिएगा। वी लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन, जहां पर कि हम लोग जो है क्रॉप्स वगैरह के बारे में बात करेंगे और उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेसन में। बाय बाय।